हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय अनदर व्लॉग्स। आज की ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैं आज आया हूँ एक बहरीन का जो जगह है, बहरीन नेशनल म्यूजियम, जो कि लोकेटेड है बहरीन मनामा में। आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में जो व्यू दिख रहा है इवनिंग का, इस ऑसम, इट इज फैंटास्टिक क्लाइमेट। और यहाँ का जो व्यूज है, यहाँ का जो लोकेशन है, आप प्लीज़ यहाँ पे एक बार विजिट कीजिए। जो लोग बहरीन में रहते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे आकर आप बहुत सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं आपको अंदर का टूर कराऊंगा बहरीन नेशनल म्यूजियम के बारे में, और अंदर क्या क्या अवेलेबल है हर एक चीज़ की एक इंफॉर्मेशन दूंगा, जो कि बहरीन का जो एक बोल सकते हैं हिस्टोरिकल प्लेस है, बहरीन का जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है उसकी सारी इंफॉर्मेशन अंदर दी गई है, उसके बारे में दिया हुआ है म्यूजियम में अंदर सब कुछ। तो आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ, और प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को पूरी देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो लाता हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ मैक्सिमम जितना हो सके मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, और फुल इंटरटेनमेंट है ये वीडियो आपके लिए। और जो लोग मेरे वीडियो पे नए आए हैं उनके लिए खास एक मेरे लिए रिक्वेस्ट है, मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और लोग जो भी मेरी दूसरों पिछली वीडियो देखना चाहते हैं, मेरी ये आई बटन जो देख रहे हैं, इसमें मेरे बहरीन की जो लास्ट मार्केट विजिट थी, जो कि सबसे बेस्ट लोवेस्ट प्राइस मार्केट है, उसके बारे में भी मैंने अपलोड किया है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो देख सकते हैं जो व्यू मेरा जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, कितना सुपर है बहरीन के नेशनल म्यूजियम के अंदर। और काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देता हूँ, फिर आगे अंदर चलते हैं। सी यू इनसाइड नाउ। चलिए चलते हैं अभी मेन गेट, जो कि मेन एंट्रेंस है। यहाँ से सभी को अंदर के लिए एंट्री करना होते हैं, जो बहरीन नेशनल म्यूजियम के नाम से ये गेट यहाँ पे ओपन होता है, और हम यहाँ से चलते हैं अंदर। लेकिन यहाँ पे इंट्रेस जो पब्लिक इंट्रेस है उसके लिए 1 बहरीनी दिनार का टिकट रखा हुआ है, यहाँ से हम टिकट लेते हैं और अभी हम चलते हैं अंदर। ये बहरीन का इंट्रेस्ट है देखिए, और यहाँ राइट से मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट के मेन जो पार्ट है बहरीन म्यूजियम का, जो ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर वगैरह है बहरीन का, फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट है। आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, जो टाइल्स वगैरह का उन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, ये कोई आम डिज़ाइनिंग या टाइल्स वगैरह नहीं उन्होंने लगाया हुआ है, सेटअप किया हुआ है, बल्कि आप जब भी देखेंगे ये बहरीन का एक एक्चुअल मैप उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है टाइल्स पे बाकायदा। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर उन्होंने टाइल्स पे लगा हुआ है, जो कि नेशनल म्यूजियम के लिए एक बोलते ना जैसे न्यू समथिंग, न्यू टेक्नोलॉजी उन्होंने सेटअप किया हुआ है। बहरीन का पूरा मैप टाइल्स पे लगाया हुआ है, इजीली उन्होंने देख सकते हैं जो भी यहाँ पे विजिटर्स आते हैं, क्योंकि बहुत ही एक ये बोल सकते हैं कि समथिंग न्यू इन द टाइल्स, क्योंकि ऐसा सेटअप करना ओरिजिनल पूरा एक्यूरेटली उन्होंने डिज़ाइन, जो पैटर्न जो उन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ टाइल्स पे आप देख सकते हैं। आने के बाद यहाँ पे देखिए जो कार वगैरह है ओल्डेस्ट मार्क को, बाद में उसकी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, जो कार पार्क की हुई थी यहाँ पे देखिए लेफ्ट में और राइट में, जो उन्होंने पेंटिंग्स की हुई है, ऑयल पेंट ओरिजिनल पेंट्स वगैरह उन्होंने यहाँ म्यूजियम में लगाई हुई है, जो ओल्डेस्ट टाइम की थी। और यहाँ से हम चलते हैं फर्स्ट, जो फर्स्ट फ्लोर पे मेन आर्किटेक्चर और ओल्डेस्ट बहरीन के टाइम का उन्होंने जो हिस्टोरिकल सेटअप किया हुआ है, यहाँ का सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको बाद में दे दूँगा कि यहाँ पे क्या क्या उन्होंने सेटअप किया हुआ है और क्या क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे हर एक जगह के बारे में। तो पहला अपना मेन पार्ट है फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि देख सकते हैं यहाँ से ऊपर जाने के लिए यहाँ से जो स्टेयर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं ट्रेडिशनल टाइम का जो उन्होंने सेटअप किया हुआ है वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है। तो गाइस जब भी आप नेशनल म्यूजियम किया है ऊपर नेशनल म्यूजियम में आएंगे तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए, ताकि आपको पता चले जो ट्रेडिशनल टाइम था बहरीन का वो पूरा बाकायदा उन्होंने सेटअप किया हुआ है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। देखिए यहाँ से सीढ़ी से आप डायरेक्ट ऊपर आ सकते हैं,
देखिए यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया हुआ है, जो कस्टमाइज़ किया हुआ है इन्होंने ट्रेडिशनल टाइम का म्यूज़ियम के बारे में। काफ़ी हद तक यहाँ पे आप आने के बाद आपको पता चलेगा कि जो बहरीन का ट्रेडिशनल टाइम था इन्होंने यहाँ पे कैसा शो किया हुआ। बाकायदा आप देख सकते हैं जो बहरीनी ओल्ड टाइम में जो इनका जो मेन बिजनेस था, जैसा ये लोग फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे खुद बाकायदा लोग ट्रेड करते थे, खुद यहाँ पे बिजनेस करते थे पहले की जो ओल्डेस्ट टाइम के जो ट्रेडिशनल्स थे बहरीनी लोग। देखिए ना कि वुमेंस वगैरह भी पहले काम किया करते थे, बहुत सी औरतें भी जो सरवाइव करते थे वो भी काम करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ के जो ट्रेडिशनल टाइम के उन्होंने जो डिस्प्ले जो सेटअप किए हुए बाकायदा इंफॉर्मेशन देते हैं यहाँ के उन्होंने जो सेटअप का जो यहाँ पे किया हुआ है, जो यहाँ के उन्होंने डिज़ाइन किए हुए यहाँ का जो स्टैचू वगैरह लगाया हुआ है बाकायदा एक सेटअप करके, ये सब एक ट्रेडिशनल टाइम का इन्होंने सेटअप किया हुआ ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपको पता चले कि बहरीनी जो ओल्ड टाइम के लोग थे कैसे सर्वाइव करते थे, कैसे रहते थे और उनका जो बिजनेस था उनका जो ट्रेड था वो खुद अपने आप को कैसा काम किया करते थे। देखिए यहाँ पे भी एक उन्होंने स्टैचू बना के कैसा उन्होंने शो अप किया हुआ है कि यहाँ का जो पहले का जो ट्रेड और यहाँ का जो बिजनेस उन्होंने खुद किया करते थे। कोई यहाँ पे कोई एक्सपर्ट वगैरह आते नहीं थे यहाँ पे, उस टाइम पे एक छोटा सा आइलैंड हुआ करता था बहरीन का, ये खुद अपना बिजनेस किया करते थे। देखिए अलग अलग सेक्टर्स में बहरीनी लोग अपना यहाँ पे काम किया करते थे, बिजनेस किया करते थे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए शो कर रहा है स्टैचू वगैरह, फर्नीचर का काम खुद किया करते थे, काम का फर्नीचर का ट्रेडिशनल टाइम का उन्होंने शो किया हुआ है यहाँ पे। गाइस आप देख सकते हैं हर एक यहाँ पे सेटअप जो किया हुआ सेक्शन का डिफरेंट डिफरेंट, देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जब भी आप बहरीन में आप विजिट करेंगे ये म्यूज़ियम में, आप जब नेशनल म्यूज़ियम में आएंगे तो आपको पता चलेगा जो ट्रेडिशनल टाइम का जो सेटअप उन्होंने किया हुआ, तो आप यहाँ पे आके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी को पता नहीं था कि ओल्डेस्ट टाइम का जो ट्रेडिशनल था, ओल्डेस्ट टाइम के जो बहरीनी लोग अपने आप कैसे रहते थे और क्या उनका बिजनेस था, वो कैसे सर्वाइव करते थे। तो ये एक शो इन्फॉर्मेशंस दी गई है ताकि आपको पता चले जो ट्रेडिशनल टाइम में ये लोग कैसे रहते थे और कैसे ये लोग अपने आप को सर्वाइव करते थे, बिजनेस करते थे। देख सकते हैं आप कितना अच्छा उन्होंने यहाँ पे म्यूज़ियम में एक सेट किया हुआ है, हर एक जगह पे उन्होंने शो किया है अपने आप को। देखिए यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि बिजनेस यहाँ का उन्होंने जो करते हैं लोग, वो हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, फैमिली वगैरह भी बहुत आती है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी हद तक टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पे, बाहर जितने भी बाहर से टूरिस्ट वगैरह लोग आते हैं बहरीन नेशनल म्यूजियम में, वो लोग ज़रूर विज़िट करते हैं ताकि ये लोग को पता चले कि जो ओल्डेस्ट टाइम में बहरीनी लोग जो वो अपने आप। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये पार्ट यहाँ का, जो तंदूर जो रोटीज़ का बिजनेस था बहरीनी लोग खुद ये अपना बिजनेस खुद करते थे वो टाइम पे, ओल्डेस्ट टाइम पे बहरीनी ट्रेडिशनल टाइम पे। देखिए काफ़ी यहाँ पे बहरीनी फैमिलीज वगैरह भी आई है, बच्चे लोग भी यहाँ पे सब देख रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं था उनके टाइम में ये सब कुछ यहाँ पे ऐसा जो सेटअप किया हुआ लोग के लिए। सब देख के लोगों को एक अजीब लगता होगा कि ये टाइम पे भी बहरीन में ये सब होता था, क्योंकि अभी तो ये कुछ नहीं देखने को मिलता है जो ट्रेडिशनल ओल्ड टाइम का। अभी चलते हैं, ये तो ख़त्म हो गया यहाँ का ट्रेडिशनल टाइम का, अब सेकंड सेक्शन में चलते हैं यहाँ पे, जो कि आप चेक कर सकते हैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर देखिए जो पहले ज़माने में इस टाइम में जो कारीगरी की गई है अरबी में, यहाँ पर खासकर यहाँ पर जो अरबी की ज़बान यहाँ की असर, तो वो टाइम पे मस्जिदों में अपने घरों पे यहाँ पे लोग किया करते थे डिज़ाइनिंग स्टोन्स के ऊपर, जो काम करना और ये लिखना बहुत ही हार्ड वर्क होता था वो लोग उस टाइम पे खुद किया करते थे, खुद बिजनेस था वो लोग का खुद किया करते थे। यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है ताकि आप चेक कर सकते हैं, ये स्टोन्स है ओरिजिनल पत्थर पे इन्होंने अरबी आर्किटेक्चर किया हुआ है। यहाँ पे आप जब भी हाथ चेक कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि इस टाइम का जो ओल्डेस्ट टाइम का, देखिए वुडन्स जो पहले टाइम के जो घर होते थे हाउस होते थे, ये उस टाइम की ये लकड़ियाँ और ये वुडन्स हुआ करती थी उस टाइम पे जो यूज़ किया करते थे।
ये एक एग्जाम्पल्स है और यहाँ के आप आकर चेक कर सकते हैं यहाँ की जो उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है उस टाइम की, अभी तक वो लोग ने शोकेश किया हुआ है। यहाँ के जो भी टूरिस्ट वगैरह आए हैं उनको देखने के लिए, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा उन्होंने सेट किया हुआ, बहुत ही एक चेक कर सकते हैं, टच करके आपको एक फील मिलेगा उस टाइम का जो सेट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक सेटअप जो अंदर ग्लास के अंदर उन्होंने लगाया हुआ है, पहले टाइम का ओल्ड टाइम का एक छोटा सा उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया हुआ है कि उस टाइम पे जो बहरीन ऐसा हुआ किया करता था। ये देखिए छोटा सा एक इंटरेस्ट है उस टाइम का, ओल्डेस्ट टाइम का, ट्रेडिशनल टाइम का उन्होंने बना के रखा हुआ है सेटअप करके, ताकि आपको भी पता चले उस टाइम पे जो इंटरेस्ट वगैरह होते थे इस टाइप के हुआ करते थे। देखिए यहाँ पे खाली इंफॉर्मेशन ली हुई, हर यहाँ पे जब आप आकर म्यूजियम में चेक करेंगे एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई ओल्डेस्ट टाइम की, ट्रेडिशनल टाइम की। यहाँ पे आपको बहुत ही इतना अच्छा लगा, बोल सकते हैं आप जो 1 BD देख के आप एंट्री लेते हैं अंदर आने के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे ओल्ड टाइम की। देखिए पूरा वर्ल्ड का मैप उन्होंने यहाँ पे लगाया है और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरह ये बोल सकते हैं कि ग्रोथ हुआ है जो सेंचुरीज गुजरी है, 19 पहले ज़माने से लेके अब तक 2024 में कितना चेंजेस आया हुआ है। काफ़ी यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह इंफॉर्मेशन फोटोज़ वगैरह उन्होंने शो किया हुआ, और यहाँ का आपको मेन बताता हूँ जो ओल्ड टाइम के लोग अपना सामान यूज़ किया करते थे, हथियार और लोग का तलवारें वगैरह औजार वगैरह यूज़ करते थे उस टाइम पे वो लोग। देखिए यहाँ पे बंदूक, देखिए यहाँ कितनी एक एंटिक यहाँ की जो गन रखी हुई है, गन्स, राइफल्स और तलवारें, भाला वगैरह सब जंग के टाइम का हुआ करता था सब सामान। ये चलते हैं आगे और बहुत ही चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है आपके लिए, जो विजिटर्स आते हैं जो टूरिस्ट आते हैं उनको तो बहुत ही मज़ा आता होगा और वो लोग भी आकर बहुत ही एंजॉय टाइम कर सकते हैं, अपना एक टाइम एंजॉय कर सकते हैं, जिसी को जो देखा ही नहीं है अभी तक ट्रेडिशनल टाइम कैसा हुआ करता था पहले का ज़माना। ये देखिए कैसा उन्होंने एक सेट किया हुआ है यहाँ पे डिस्प्ले, ओल्डेस्ट टाइम का जो ट्रेडिशनल हुआ करते थे वहाँ के टाइम के जो शोकेस में जब आपको सब दिखाया गया है बाकायदा उन्होंने। यहाँ से चलते हैं दूसरा, यहाँ पे वो सेटअप किया हुआ है यहाँ मैप वगैरह, मतलब यहाँ से इंटरेस्ट है दूसरा, इतना घूमना पड़ता है बापरे, इतना बड़ा म्यूजियम है, मैंने भी नहीं सोचा था कि अंदर से इतना बड़ा मैप मतलब डिज़ाइन किया हुआ उन्होंने, सेटअप किया हुआ है म्यूजियम का। देखिए यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है बाकायदा उन्होंने बताया हुआ है, तो यहाँ पे इतना कुछ देखने के लिए नहीं, बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन लगाई हुई है सब पिक्चर्स वगैरह में, ताकि आप पढ़ के आपको पता चले। तो हम अभी चलते हैं दूसरी तरफ, ताकि जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं उसको कवर कर सकूँ और उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक ला सकूँ और आपको पता चल सके। अब यहाँ से जाते हैं नीचे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे मैंने ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ जो जो इन्फॉर्मेशन थी ट्रेडिशनल टाइम की, जो एक्चुअल में बहरीन के लोग रहा करते थे पहले। अभी नीचे चलते हैं, नीचे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। चलते हैं नीचे, ये फर्स्ट फ्लोर का पार्ट था जो आपको मैंने बताया है, फर्स्ट फ्लोर पर इतना ही है। अभी बाकी सब नीचे बहरीन में भी ये सब कुछ हुआ करता था पहले टाइम में, क्योंकि पहले जो लोग यहाँ के रहते थे बहरीनी लोग और काफ़ी लोग जो गल्फ में रहते थे जैसा, उनको भी आप देख सकते हैं उनसे मिल सकता है, मिलता ही जुलता है ऑलमोस्ट, जो गल्फ सऊदी बहरीन दुबई ओमान कतार के लोग ऐसे ही यहाँ के लोग रहा करते थे ऑलमोस्ट, जैसा कह सकते हैं आपके ये उनका ही कल्चर है ऑलमोस्ट, जो लोग अरबी लोग रहा करते थे। यहाँ से चलते हैं दूसरा, यहाँ पे एक गेट है और ये सबसे पहले आपको बता दूँ ये हम मेन एंट्रेंस की तरफ आए हैं, यहाँ पे जो कि एक पेंटिंग्स हार्ड हैंडमेड क्राफ्ट वगैरह की हुई है, डिज़ाइनिंग की हुई है। यहाँ का भी आपको मैं
पहले ही कवर कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ का मेन इंट्रेस एक्चुअली लेफ्ट में आता है, तो मैंने यहाँ पे नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट ऊपर गया था फर्स्ट फ्लोर से कवर करते हुए। अभी वापस मैं नीचे आया हूँ। ये फर्स्ट जैसे आप इंट्रेस में आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं हैंडक्राफ्ट वगैरह। यहाँ का मैंने पूरा यहाँ का एक हॉल जो रखा हुआ है, हॉल में जो सेटअप किया हुआ है डिज़ाइनिंग वगैरह पेंटिंग वगैरह हैंडमेड पेंटिंग्स है यहाँ पे सब, और ये पेंटिंग सब ओरिजिनल्स की हुई है, ओरिजिनल ऑयल पेंट से की हुई है। बहुत एक फील आता है जब आप जब इधर आते हैं आप सब कुछ देखते हैं, आप पता नहीं एक बोल सकते हैं कि सर लाइफ में ये सब कुछ देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपनी जो लाइफ है बहुत ही बिजी लाइफ है, और अपने शायद से बाहर जब भी निकलते हैं तो ये सब कुछ देखना भी ज़रूरी है अपनी लाइफ में। तो एक बोलते हैं ना एंटरटेनमेंट होता है, और अपनी लाइफ में भी एक फ्रेशनेस आता है कि पहले के ज़माने के लोग कैसे रहा करते थे और आपका जो टाइम है हम कैसे रह रहे हैं। ये देखिए जो लगाया उन्होंने पिक्चर्स, कितनी रियलिटी है ये पिक्चर में, ओल्ड टाइम की जो ट्रेडिशनल टाइम की उन्होंने यहाँ पर लगा कर जो बताया हुआ है। और मैं यहाँ पर देखने के बाद ही मेरे को पता चला कि इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह भी यहाँ पे ट्रेडिशनल टाइम के करके बाकायदा शो ऑफ किया हुआ शो केस में बना हुआ है, ताकि एट्रैक्शन हो और रियलिटी इतना अच्छा किया हुआ है, आर्किटेक्चर वगैरह बनाया हुआ है, पेंट्स वगैरह किया हुआ है, डिस्प्ले सेटअप। ये देखिए मेन इंटरेस्ट ही है जो मैंने फर्स्ट फ्लोर कवर करके मैं वापस अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअल जो म्यूजियम का नीचे का पार्ट है ऑलमोस्ट 50 सेंचुरी यहाँ का उन्होंने किया हुआ है, ऑलमोस्ट 50 साल हो चुके हैं। और देखिए यहाँ पे कितनी पेंटिंग्स वगैरह ओल्ड टाइप की उन्होंने लगाया, मैं इतना ज़्यादा आपको कवर नहीं कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन डीपली। तो जब भी आप विजिट कर रहे हैं बहरीन नेशनल म्यूजियम के बारे में एक एक चीज़ आपको यहाँ पे दी गई है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे इन्होंने सेटअप किया हुआ है ओल्ड टाइम का बहरीनी ट्रेडिशनल टाइम का। गाइस लिटरली आप एक बार विजिट करेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। बहुत ही इजी लोकेशन है, बहरीन मनामा के पास है जो कि मेन हाईवे पे आता है। बहरीन से जब भी आप आएंगे मोहरक के साइड में, एक्चुअली देखा जाए तो ये मोहरक के नज़दीक ही आता है, बहरीन मनामा नहीं बोल सकते उसको, बहरीन और मोहरक और मनामा के बीच में है। गाइस ये देखिए अर्दू में कितना अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज उल बहरीन। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ का जो टाइल्स वगैरह आप देख रहे हैं नीचे, ये टाइल्स पे इन्होंने पूरा बहरीन का मैप डिज़ाइन किया हुआ था। इसमें एक्चुअली इससे बहुत एक इम्प्रेस हुआ हूँ जो देख के नीचे इन्होंने जो डिज़ाइन जो टाइल्स की जो लगाई हुई है उन्होंने बहरीन का मैप का डिज़ाइन किया हुआ, मेरे को बहुत ही इम्प्रेस हुआ है जब देखने के बाद, क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने एक्यूरेट डिज़ाइन और इतना एक्यूरेट डिस्प्ले किया हुआ है जो टाइल्स के ऊपर बाकायदा उन्होंने बहरीन का मैप जो लगा हुआ। मेरे आई थिंक में भी बहरीन में कभी देखा नहीं हूँ कि मैं ऐसा कोई सेटअप उन्होंने किया हुआ है कि तब इतना अच्छा। देखिए शेख अहमद एवेन्यू, और ये एक्चुअल में एवेन्यू है, मैंने बहरीन का मैप जब भी गौर से देखा और मैंने नोटिस किया तो ये एक्यूरेटेड इतना है कि आप नोटिस कर सकते हैं कि आप किधर पे हैं और किधर किधर आप बहरीन में विजिट किए हैं, तो ये आप देखकर आपको पता चल सकता है। आप कल यहाँ पे आप जब भी आएंगे आप विजिट कीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहरीन का। ये देखिए बहरीन का और बहरीन का जो लोकेटेड है, अरे एक्यूरेटेड इतना किया होना मेरे को खुद एक ताजुब लग गया यहाँ पर देखने के बाद जो मैप जो टाइल्स पे जो सेटअप किया हुआ है पूरा। ये टाइल्स आप देख रहे हैं ना, ये पूरा बहरीन का मैप है, इतना एक्यूरेट मैं कभी नहीं देखा कि उन्होंने इतना बड़ा जो मैप उन्होंने टाइल्स के ऊपर लगाया हुआ है। गाइस आप जब भी आएंगे तो आप ये भी देख के आपको कुछ इम्प्रेस हो जाएगा। मैंने कुछ ये टच करके देखा, एक्चुअली है क्या ये, मेरे को लगा कि किसी ने तोड़ दिया है, एक्चुअली किसी ने तोड़ा नहीं है, वो डिज़ाइन ही उन्होंने ऐसा सेटअप किया हुआ है। तो मैं एक्चुअली उसको करेक्ट करने के लिए किया तो हुआ नहीं मेरे से, तो मैंने छोड़ दिया, मेरे को लगा शायद से किसी ने ख़राब कर दिया, लेकिन ख़राब नहीं किया हुआ, इसे डिज़ाइन किया हुआ था। गाइस यहाँ पे देखिए डिज़ाइन, और ये आपको मैं बताता हूँ गाइस, जो लोग बहरीन में रहते हैं ना उनको पता चले कि ये एक्चुअल में है कौन सी जगह। ये देखिए आपको भी पता चल जाएगा जब आप बहरीन में आएंगे ये कौन सी जगह है।
देखिए मैंने एक्चुअली से मेरे को बहुत अच्छी जगह लगी ये बहन का एक्चुअली मैप मैंने जो सेटअप किया हुआ है टाइल्स के ऊपर, बहुत ही लोग इसमें इंटरेस्ट आ गया एक्चुअली। तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे उन्होंने शॉप खुली हुई है जहाँ से आप इधर बाय कर सकते हैं कोई भी चीज़ जो कि हैंडमेड है और ट्रेडिशनल टाइम का यहाँ पे सामान मिलता है। जैसा कि आप कह सकते हैं कि ब्यूटिक की शॉप है, लेकिन यहाँ पे ओल्डेस्ट टाइम के ट्रेडिशनल टाइम का यहाँ का सामान रखा हुआ है। और ये जो यहाँ पे जितना भी सामान है यहाँ के जो ब्यूटिक है यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। देखिए यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह भी है ओल्ड टाइम्स की, यहाँ पे अच्छा एक शॉप है जहाँ से आप ओल्डेस्ट टाइम ट्रेडिशनल टाइम का कुछ सामान वगैरह आपको कुछ ख़रीदना है, आप इंटरेस्टेड है कुछ ख़रीदने के लिए तो आप गाइस यहाँ से ख़रीद सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे सेल के लिए रखा हुआ है। ये देखिए जो स्मॉल बॉक्स लगा हुआ है 2BD का प्राइस है इसका, एक्चुअली मैंने देखा थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है ट्रेडिशनल टाइम का। आप ये चेक कर सकते हैं इसका प्राइस कितना है गाइस, इसका प्राइस मैंने चेक किया देखिए तो मुझे पता नहीं कितना महंगा ये स्कार्फ क्यों है। देखिए इसका प्राइस जब मैंने चेक किया 74 BD, ओह माय गॉड कितना ज़्यादा है एक्सपेंसिव है स्कार्फ। इसका डिज़ाइन देखिए हैंडमेड आर्टिकल इस पर किया हुआ पेंटिंग, इस पर एक्चुअली पेंटिंग इसके लिए ना हैंडमेड, इसके लिए इसका स्कार्फ का प्राइस इतना ज़्यादा है गाइस, ओह माय गॉड। आप जैसे कह सकते 75 BD में एक स्कार्फ यहाँ पे सेल कर रहा है लोग, पता नहीं कोई खरीद भी रहता है या नहीं लेता इतना महंगा, तो कोई नहीं खरीदेगा मैं समझ सकता हूँ क्योंकि इतनी महंगी स्कार्फ कोई खरीदने आए जिसके पास पैसा है वही खरीद सकते हैं। देखिए एक छोटा सा यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो छोटा वाला लगाया हुआ है मार्केट पूरे टाइम का 1 दिनार 2 दिनार में सेल करते हैं लोग ब्यूटिक वाले जो ट्रेडिशनल टाइम के जो सामान से यहाँ पे रखे हुए हैं। आपको अगर से कुछ पसंद आता है तो आप गाइस यहाँ से बाकायदा ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे बुक्स वगैरह का डिस्प्ले किया हुआ ट्रेडिशनल टाइम का, यहाँ की स्टोरी वगैरह सब बुक्स में लिखी हुई है। देखिए कारपेट बहुत ही एक हाथ से लिखी हुई हैंडमेड यहाँ पे डिज़ाइन की हुई है, हैंड राइटिंग की हुई है, बहुत ही अच्छा घर के लिए जो लोग खरीदना चाहते हैं यहाँ से बाय कर सकते हैं जो भी सामान। ये देखिए छोटी सी एक बैग है, बैग का प्राइस चेक करें तो आपको पता चलेगा इतनी महंगी है 12 BD, जैसा कि आप दे सकते हैं 12 BD के लिए छोटी सी शेप का हैंडमेड है। चलते हैं और आगे, इतना बड़ा म्यूजियम है कि मैं खुद थक गया हूँ लेकिन मज़ा आ गया। एटलीस्ट आप यहाँ पर जब एक घूमेंगे देखेंगे तो 1 आवर 2 आवर आप स्पेंड कर सकते हैं गाइस यहाँ पे, अगर से आप इंडिपेंडेंटली आते हैं या आपके फ्रेंड्स के साथ आते हैं, लेकिन आप जब बच्चों के साथ फैमिली के साथ आएंगे तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको पूरा म्यूजियम घूमने के लिए। देखिए यहाँ पर फैमिली वगैरह फोटो वगैरह निकाल रही है, कार देखिए ट्रेडिशनल टाइम की ये कार है, इतनी अच्छी यहाँ पे कार को हमने यहाँ पे रखा हुआ है मेंटेन करके गाइस। और यहाँ पे लेकर चलता हूँ एक जो गाड़ी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है और उसकी दो कीज भी यहाँ पे रखी हुई है। देखिए इसकी कीज का जो डिज़ाइन पैटर्न देखिए कितना अच्छा है, बुकिंग नाम है आई थिंक मेरी कार का, इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन 1932 पे पैटर्न मेरी कार है, उसकी बुक है यहाँ पे 1932 कार का नाम है टाइम की जो चीज़ें देखने के लिए, तो उनके लिए अच्छा सा अट्रैक्शन है ये गाड़ी को लेकर जो उन्होंने 1932 की कार है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सामने कैफेटेरिया वगैरह भी है, रेस्टोरेंट्स वगैरह जहाँ पे आप आकर कुछ खाना वगैरह खा सकते हैं, जिसको ब्रेक लेना है वो लोग आके यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं कुछ बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वापस कितना उन्होंने पूरा बहरीन का मैप उन्होंने टाइल्स पे, ये देखिए ओल्ड बहरीन, ये देखिए आप पता चलेगा ये बहरीन का जो एयरपोर्ट का मैप है, ये तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं जो ओल्ड बहरीन का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे ये है। और ये आप गूगल पे भी चेक कर लीजिए, ये डिज़ाइन जो लगाया हुआ है बहरीन का दुरुतुल बहरीन आइलैंड है, ये भी आप इजीली आप गूगल पे चेक करके सर्च करके चेक कर सकते हैं जो डिज़ाइन उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। चलो चलते हैं अभी दूसरी तरफ, और बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए जो कि काफ़ी सेपरेटली उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ज़्यादातर यहाँ पे ऑयल पेंट
पे चलते हैं, कुछ और नई इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ये देखिए स्टोन्स वगैरह जो काफ़ी मिट्टी वगैरह है यहाँ पे, देखिए इन्फॉर्मेशन स्टोन्स के जो एज है यहाँ पे सब रखा हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है पहले टाइम के जो ओल्डेस्ट टाइम के जो लोग यहाँ पे यूज़ किया करते थे, ट्रेडिशनल टाइम पे जो यूज़ किया करते थे, जो बर्तन कंटेनर्स वगैरह वो लोग उस टाइम पे यूज़ करते थे, मिट्टी के लोग मिट्टी के यूज़ किया करते थे बर्तन वगैरह, ताकि आपको पता चले कि उस टाइम में क्या चीज़ क्या सामान यूज़ हुआ करता था उस टाइम पे, और अब की जो टेक्नोलॉजी है क्या यूज़ करते हैं, कितना डिफरेंस कितना, आप कह सकते हैं कि ज़माना बदल गया है। चलेगा ये स्टोन्स वगैरह देखिए पहले टाइम के ओल्डेस्ट टाइप के स्टोन्स भी यहाँ पे इन्होंने सेटअप किए हुए हैं। मैं तो थक गया बहुत ही, इतना बड़ा म्यूजियम है, आई थिंक मेरे को दो टाइम यहाँ पे आना पड़ेगा इसके लिए, जितना इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करना चाहते हैं आप सब लोग। लेकिन बहुत ही अच्छा है, इंटरटेनमेंट हो सकता है, आप आएंगे यहाँ पे 3 घंटा 4 घंटा इजीली स्पेंड कर सकते हैं गाइस। देखिए ऑयल पेंट कितनी अच्छी इन्होंने पेंटिंग की, इतना कुछ रियलिटी है ये पेंटिंग्स में, फील कर सकते हैं आप टच करके गाइस, इतनी अच्छी यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह उन्होंने किया हुआ है, सेटअप किया हुआ, डिस्प्ले किया हुआ, बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा इंटरटेनमेंट है ये म्यूज़ियम। ये खुलते ना इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, खास घूमने के लिए भी जगह है फैमिली के लिए। देखिए यहाँ पे कितना कुछ यहाँ पे शो करता है कि ये पहले टाइम का जो ट्रेडिशनल टाइम का ज़माना हुआ करता था गाइस। देखिए आप सब लोग को पता चलेगा बहरीन किस टाइम का कैसा था ज़माना था, और अब क्या टाइम पे कितना कुछ चेंजेस हो चुका है बहरीन में, और उस टाइम का बहरीन का टाइम का ये ऐसा हुआ करता था बहरीन, और आपका बहरीन कितना कुछ चेंजेस हो चुका है गाइस। ये तो आप कभी देख नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में, रियलिटी में तो आप यहाँ आकर देख सकते हैं उस टाइम की रियलिटी लाइफ क्या थी, उस टाइम के जो बहरीनी लोग रहा करते थे वो लोग किस टाइम क्या क्या चीज़ यूज़ किया करते थे, और कैसे रहते थे, और उनकी कैसी लाइफ थी, इसके बारे में ख़ास यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है गाइस। रियली इतना अच्छा यहाँ पे म्यूजियम में सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि यहाँ पे किस टाइप का ट्रेडिशनल टाइम हुआ करता था, और किस तरह से यहाँ पे लोग रहा करते थे, और क्या क्या सामान यूज़ हुआ करता था, और कैसा वो लोग की लाइफ थी गाइस। रियली आप कह सकते हैं ना कि ऐसा कुछ यहाँ पे सामान इतना कुछ दिया हुआ कि ये बार बार टेम्पल आप ये जो महलिन में आएंगे महलिन के जो लोग हैं उनको पता चलता कि बार बार यहाँ पे एक जगह का नाम है जो कि वहाँ पे टेम्पल मौजूद है अभी भी, और उस टाइम का टेम्पल का जो यहाँ का सेटअप किया हुआ है ओल्डेस्ट टाइम का, कि बता रहा है कि उस टाइम जो बार बार टेम्पल था उस टाइम पे भी अवेलेबल था, और अभी भी अवेलेबल है, और काफ़ी चेंजेस भी हो चुका है उस टेम्पल में। देखिए काफ़ी यहाँ पे एक्चुअली म्यूज़ियम खाली है, ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह नहीं है, लेकिन एक दो फैमिलीज यहाँ पे घूम रही है अभी, और आई थिंक मे बी फ्राइडे और वीकेंड में खास इवनिंग के टाइम पे ज़्यादा रश होता है गाइस। लेकिन काफ़ी इंटरटेनमेंट जगह है एक्चुअली ये बहरीन म्यूज़ियम, में तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम विजिट है यहाँ पे, क्योंकि मेरे को किसी ने स्पेशली मैसेज किया था कि बहरीन म्यूज़ियम देखना है उनको मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो ख़ास उनकी जो विश थी वो विश को मैं कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे विजिट करने के लिए आया हूँ गाइस। देखिए ये बहरीन का जो उस टाइम का किला था उस टाइम का यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। देखिए यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, और ये देखिए यहाँ का जो मेन है यहाँ की जो औरतों का जो उस टाइम का ट्रेड किया करते थे, उस टाइम की जो औरतें रहा करते थे उस टाइम का उनका जो ड्रेसअप हुआ करता था वहाँ का, और यहाँ का सब कुछ यहाँ पे सेट किया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, बाकायदा बताया जा रहा है कि किस टाइम उस टाइम पे लोग कैसे रहा करते थे, उस टाइम की जो फैमिली थी बच्चे थे उस
टाइम के जो लोग वहाँ का टाइम का जो ट्रेडिशनल टाइम था किस तरह से वो लोग रहा करते थे, उस तरह उस टाइम में लोग कैसे कपड़े पहनते थे, उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे और उस टाइम में कितना एंजॉय किया करते थे फैमिली के साथ, जो बच्चे भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मदरसा, जो बच्चे हैं मदरसे में बैठ के पढ़ रहे हैं। गाइस रियली आप अपनी फैमिली के साथ हो या आप अकेले रहते हो, एक बार यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए। सिर्फ एक दिन आपकी विजिट है, लेकिन दैट इज द वैल्यू ऑफ गॉड। कह सकते हैं कि एक दिन में आपको इतना कुछ इन्फॉर्मेशन और इतना कुछ इंटरटेनमेंट आपको मिल रहा है। गाइस देखिए कितनी अच्छी जगह है, कितना कुछ बताया जा रहा है कि वहाँ के उस टाइम की औरतें किस तरह रहा करती थी, किस तरह से वो लोग वहाँ पे रहते थे उस टाइम के लोग। देखिए यहाँ पे बहुत ही, और यहाँ पे कुछ और देखने के लिए है नया। उस टाइम के लोग जो महफिल कहते थे ना, जैसे आप बोल सकते हैं महफिल लगी हुई है दोस्तों के साथ, आप बैठ कर कैसे आप गपशप लगाते थे उस टाइम का, ट्रेडिशनल टाइम का ये शो किया हुआ है कि उस टाइम पे लोग कैसा बैठ के खजूर खाया करते थे और मच्छी का जो जाला बना रहा है ये आदमी, उस टाइम का सेट किया हुआ है। बैठ के एक इंटरटेनमेंट था उस टाइम पे लोगों का, तो उस टाइम का सब सेटअप किया हुआ है कि किस टाइम पे लोग किस तरह चेंजेस होते हैं। और उस टाइम ये देखिए ये एक बहुत ही इंफॉर्मेशन है पहले ज़माने में, जो आप देख रहे हैं किस तरह से वो अपना मार लगता था, घाव वगैरह किस तरह से वो लोग उसको बनाते थे, मतलब कोई दवाई वगैरह हॉस्पिटल उस टाइम हुआ नहीं करता था, तो अपने आप को वो लोग जला कर मरहम क्रीम का यूज़ किया करते थे। वो टाइम का देख के बोल सकते हैं इम्प्रेशन आया है कि किस टाइम की लाइफ थी उस टाइम पे और कितना चेंजेस हो गया अपनी लाइफ में। अभी ये सब कुछ देखने के बाद आपको एक फील आएगा कि उस टाइम की जो लाइफ थी कितना टफ थी, कितना सर्वाइव करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता था वो लोग को। देखिए यहाँ पे कितना कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये सब कुछ जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना गाइस, रियली इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन ना ही आपको कोई बताएगा और ना ही इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल सकती है। गाइस देखिए यहाँ पे जितना भी उन्होंने सेटअप किया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ हर एक चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पे देखिए लेडीज़ के कपड़े देखिए, स्टैचू का यहाँ का कपड़ा जो उन्होंने लगाया हुआ है, यूज़ किया हुआ है ट्रेडिशनल टाइम का बहन का हुआ करता था और आज बहुत ही कम देखने को मिलता है जो ट्रेडिशनल ड्रेस आज की लाइफ में, क्योंकि अभी ट्रेडिशनल सब कुछ इतना नहीं है यहाँ पे आज की लाइफ में यूज़ करने के लिए। देखिए यहाँ पे सब देख के पता नहीं है कि इतना ओल्ड इस टाइम में ये लोग इस टाइम के जो ट्रेडिशनल कपड़े यूज़ किया करते थे। अभी तो एक बहुत एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो चुकी है, तो अभी ये सब ट्रेडिशनल चीज़ें कोई नहीं यूज़ करता है। गाइस देखिए यहाँ पे एक रियलिटी बताया है घर का, जो ट्रेडिशनल टाइम का आई थिंक मे बी आप सभी लोग ने अपनी लाइफ में, जो 1980s के लोग हैं उनको पता है, जो बचपन में 1980s में छोटे थे वो लोग को पता है कि ये लाइफ वो लोग भी जिए होंगे अपने टाइम में, अपने कंट्री में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में। गाइस रियली आपको पता चलेगा उस टाइम की ये लाइफ थी और रियलिटी, मैंने भी ये लाइफ देखा है रियल में अपनी लाइफ में, जब भी मैं इंडिया में था और जब भी मैं गांव जाया करता था, गांव में ये सब कुछ रियलिटी से बहुत ही अच्छा लगता था ये लाइफ देख के। वैसी ही लाइफ देख के याद आती है कि लाइफ क्यों ख़त्म हो गई, क्यों इतना टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है आज के दौर में। गाइस ये जो दिख रहा है आपको सेटअप ना गाइस, ओल्डेस्ट टाइम का जो ट्रेडिशनल है ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है आज का टाइम में, आपको ये देखने नहीं मिलेगा रियलिटी में, रियल लाइफ में गाइस। और अभी यहाँ पे चलते हैं दूसरे तरफ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कवर अप करना था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ द हॉल ऑफ गिलमोर ग्रेव्स। यहाँ पे कुछ एक्चुअली उन्होंने बताया है जो स्टोन्स वगैरह बर्तन जैसे कंटेनर्स वगैरह उस टाइम पे यूज़ किया करते थे उस टाइम का, उन्होंने
यहाँ पे रखकर शो ऑफ किया हुआ, शोकेस में लगाया है, सेटअप किया हुआ, ताकि आपको पता चले उस टाइम पे जो लोग यहाँ पे यूज़ किया करते थे। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले में जब आप आएंगे तो आपको देख कर पता चलेगा उस टाइम पे जो लोग यूज़ किया करते थे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उस टाइम पे जो यूज़ किया करते थे, स्टोन्स वगैरह जो वॉल्स वगैरह हैं उस टाइम पे वो लोग घर के जो सेटअप तब बोल सकते ना, घर का जो आर्किटेक्चर था इस पे बेस्ड था एक्चुअली, ये मिट्टी थी, यही सब कुछ था। इस टाइप पे जो स्टोन्स वगैरह यूज़ किया करते थे, घर का आर्किटेक्चर इस पे ही बनता था। यही सब कुछ है जो पहले के जो ओल्डेस्ट टाइम के ट्रेडिशनल टाइम पे सेटअप किया हुआ था पूरा सबका घर। इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन दी हुई कि उस टाइम पे जो यूज़ किया हुआ है यहाँ पे इस तरह की दीवारें, इस तरह की वॉल्स वगैरह हुआ करती थी घरों की, जो कि अभी तो नहीं है क्योंकि काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी वगैरह चेंजेस हो गई है। यहाँ पे देखिए ये लोग पिक्चर उतार रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी एक बोल सकते हैं मेमोरीज के लिए आए। ये देखिए राइट में जो लगाया हुआ है इनमें पैरामिट, एक्चुअली ये मट्टी है जो ओल्डेस्ट टाइप में ट्रेडिशनल टाइप में यहाँ से आपको पता चलेंगे उस टाइम पे ये लोग यूज़ किया करते थे एक्चुअली ये मट्टी घरों घर बनाने के लिए। गाइस कितना चलिया पे इन्होंने सेट किया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एक्चुअली ये बहरीन का म्यूजियम है और यहाँ पे देखिए बहरीन का एक कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे बता रहा है कि पहले ज़माने में घर कैसे रहते थे वो टाइम पर, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा कि वापस एक बार मैं ज़रूर यहाँ पे विजिट करूँ और काफ़ी टाइम यहाँ पे मैं स्पेंड करूँ। उस टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा लेकिन एक एक चीज़ मैं याद करूँगा। देखिए यहाँ पे जो बताया है बहरीन का ग्रीननेस, मैं यहाँ पे बस इंजॉय किया। आप देख सकते हैं कि बहरीन म्यूजियम का जो लोकेशन, डिजाइन, जो आर्किटेक्चर, जो डिजाइनिंग, जो पेंटिंग, बहरीन नेशनल म्यूजियम का टूर खलास होता है। और अब तक मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दिया हूँ बहरीन नेशनल म्यूजियम के बारे में, आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। यानी जो लोग बहरीन में अभी तक म्यूजियम में विज़िट नहीं किए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट एक बार विज़िट कीजिए और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा यहाँ पे उन्होंने सेटअप किया हुआ है बहरीन का नेशनल म्यूजियम। तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को मैक्सिमम सपोर्ट कीजिए, और जो लोग नया है मेरी वीडियो पे प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मैक्सिमम आपके लिए वीडियो बनाकर आप तक लाता रहूँ। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो पे इंशाल्लाह सून। सो प्लीज़ बी सेफ एंड टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। सी यू सून ऑन माई नेक्स्ट वीडियो।